Hi, welcome to my channel. It's been solved current question number 2. Which of the following integers are cubes of negative integers? ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा integer cube है किसी negative integer का. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबको हमें पहले factorize करना पड़ेगा और prime factorization के form में लिखना होगा और ये देखना होगा कि इन सभी numbers में जो prime factors मिल रहे हैं उनका ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं. ठीक है, तो लेट अस तो मैंने यहां पर फैक्टराइज कर लिया है. अब इसको हम लिखते हैं वन बाय वन. तो यहां देखिए माइनस 64 है. ठीक है, तो माइनस 64 को लिखेंगे फैक्टर्स के फॉर्म में तो मिलेगा हमें माइनस. ठीक है, ये हमारा है 1056 माइनस 1056 माइनस 1056 इज ब्रेक क्लोज कर लेंगे. यहां हो जाएगा माइनस 2197. यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ 2744. सो यहाँ भी कर लेंगे माइनस ऑफ. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करना क्या है, किसे देखना है कि 64 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा. तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है और ये बन गया. इसका मतलब कि माइनस 64 इज अ क्यूब ऑफ अ निगेटिव नंबर. ओके, निगेटिव इंटीजर. तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि is a cube of a negative number. मतलब कि ट्रिपलेट बनना चाहिए, ट्रिपलेट बनेगा तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल आंसर में. यहाँ पर देखिए माइनस 1056 में यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर ये बन गया लेकिन 2 का नहीं बन पा रहा. तो 2 का यहाँ पे नहीं बना ट्रिपलेट. ठीक है, यहाँ 3 का नहीं बना, 11 का नहीं बना. Therefore, minus 1056 is not a cube of some negative number. Okay, it is not a cube of some negative number. तो ये हमारा गलत हो गया. यहाँ पर देखते हैं minus 2197. इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 13 into 13 into 13. So it is a cube of a negative number. तो हम मिल गया क्या, ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये मिल गया. अब देखते हैं next minus 2744. देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट बना है और 7 का बना है ट्रिपलेट. सो इट इज अ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, राइट? सो दिस इज करेक्ट. यहाँ देखेंगे माइनस 42875. यहाँ पर भी ट्रिपलेट बन रहा है, देखिए 5 का 7 का. सो इट इज ऑल्सो अ क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो आप सबके नीचे लिख सकते हैं कि ऐसे करके कि जो क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, और इसके ऊपर चाहें आप तो एक और वर्ड यूज कर सकते हैं क्लियरली. मतलब यहाँ से बिल्कुल देख करके हम लग रहा है फैक्टराइजेशन, यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं इनका ट्रिपलेट बन जा रहा है. देयरफॉर क्लियरली वी कैन से दैट माइनस 64 इज अ क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर. ओके, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर ऑल ऑफ दिस एंड यू कैन राइट देम. ओके, होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.